आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम सुमंती देवी है। okay. और ये जो आर्ट है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का। आप रहते हैं भोपाल में? जी। आपका कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे? नहीं। कि नहीं, आप कैसे ये छत्तीस, आप बोल रही हैं कि ये छत्तीसगढ़ का है और आप भोपाल में रहती हैं, तो आप कलेक्ट कैसे करते हैं ये सब? खुद बनाते हैं? हम ही बनाते हैं। आप खुद बनाते हैं? जी। आपका कोई टीम है, ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं है। आप अकेले बनाते हैं सारे? हम बनाते हैं, हमारी सिस्टर भाई ये सब। अच्छा, बनाते फैमिली हैं। ओके, फैमिली में। ओके, ये सब जो सारे बने हैं ये आपके घर के दीवार या इस उस पे ही बनाते हैं आप लोग? जी, मतलब ओरिजिनली जहाँ पे बनता है वो दीवार पे बनता है? दीवार में बनता है। पर ये लोगों के लिए आप इसको पेपर में भी बनाते हैं? जी। ये जो बैस है ये दीवारों में, जमीनों में मिट्टी गोबर से बनाते हैं। ओके। जो कई तरह के जो जितने भी ये है आपका ड्राइंग, वो सब कुछ अलग अलग ये को दर्शाता है? जी, जैसे सभी में कहानी है। जैसे इसका मैंने बताया कि कर्म वृक्ष है, इसमें अनमैरिड लड़कियां व्रत रखती हैं अपनी भाई की बरकत के लिए। तो इसमें तीन नंगाल काटते हैं और घर से जब निकलते हैं तो बजाते हुए नाचते हुए पेड़ के तक पहुंचते हैं। फिर यहाँ काटने के बाद में घर तक अखड़ा होता है गांव में, तो वहाँ भी नाचते हुए वहाँ पहुंचते हैं। और गांव की जो पहन होती है, जो गाड़ती है, वो उनके द्वारा गाड़ा जाता है। गाड़ने के बाद में पूजा पाठ और कहानी वगैरह बताते हैं गांव का जो बैगा होता है वो। और इसके बाद में रात भर नाच गान होता है और दूसरे दिन सबके घरों में ये तीन डंगाल को लेके थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट दो दो मिनट नाचा जाता है और फिर लास्ट में विसर्जन करते हैं। दो दिन तक रहता है ये, दशहरा के टाइम में होता है। ये सब किस में आपने बनाया है? वो रंग कैसे बनाते हैं? ये सब मिट्टी है। हाँ। नेचुरल कलर है। ये काला कलर का है, ये भी मिट्टी है, और ये लाल मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। मतलब कि जितना ये सब बना है मिट्टी और जो प्रकृति के द्वारा जो हमें कलर मिला है उसी से बनाया है। उसी से। ये क्या है? जिस तरह हिंदू धर्म में एक स्वास्तिक चिन्ह होता है, वैसे हमारे में ये हर पूजा, घर में कोई भी पूजा शुरू, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले ऐसे ही बना के पूजा करते हैं। और ये जो तीन कलर देख रहे हैं आप, ये तीन कलर पहले से नहीं रखते हैं, इसको हम तुरंत बनाते हैं। इस लाल कलर का जो है, चूल्हे में जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो जो चूल्हे की मिट्टी होती है वो तप कर एकदम लाल हो जाती है, तो उसको निकालते हैं। और कोयला और सफ़ेद कलर का जो है वो चावल से लिया गया है, चावल को तुरंत पीसते हैं फिर ये बनाते हैं आकृति। और उसके बाद में ये जो गोल दिख रहा है वो अंडा है, और वो छोटे छोटे चावल है जो सफ़ेद कलर का है, और एक डंडा खींचा हुआ है। वो मतलब कि गांव में होता है, जंगलों में होता है, एक तेंदू का पेड़, तो उसका लकड़ी है डंठल, तो उसको अंडा को इस तरह फंसाया गया है और इस तरह पूजा वगैरह करते हैं। आप एक्चुअली कहाँ से हैं? मतलब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जसपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। आप ओराव ट्राइब को बिलोंग करते हैं? जी। Okay. आपको उड़ीसा कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप पहले आई हैं? जी, 2013 और 2014 में आई थी। जी।
ठीक है, धन्यवाद।